The IntelliBraid workshop is very nicely arranged and organized. I felt this program is very fruitful for my child. After attending this workshop, the child develops interest in the subject. So the basics of the children are very clear. And I think it will increase the memory of the child and it increase the learning capability of the child. And it's very good program. I have the first interaction with Alan. अभी तक हम सब घर में से कोर्स की किताबें जो कोर्स में होमवर्क मिलता था वो हम कंप्लीट करवाते थे, जो टेस्ट था उसकी तैयारी करवाते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए आए। मगर जो तरीका एलेन में देखा, जो उन्होंने मॉडल बना के जो प्रैक्टिकल के तरीके से समझाया, मैंने देखा कि मेरे बच्चे का लर्निंग एटीट्यूड है वो काफ़ी इम्प्रूव किया उसका। और एक बात जो आज मैंने यहाँ ट्रेनिंग सेशन में सीखी कि बच्चे का ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। मैं भी इसी मिथ में था कि वो बर्डन हो जाएगा, ज़्यादा थक जाएगा, मगर जब मैं 7:30 पर उसको यहाँ लेने आता था तो मुझे ज़्यादा एक्टिव मिलता था। और जो उसको यहाँ पे एटमॉस्फेयर मिला, जो उसको तरीका मिला, वो नेचुरली उसके सक्सेस के लिए सर्टेनली बहुत हेल्पफुल होगा। सबसे बड़ा थैंक्स उनको देना चाहूँगी जो टीचर्स ने बच्चों के साथ कोऑर्डिनेशन बनाया, वो सबसे बेस्ट था। दूसरा, मेरे बच्चे में मैंने जो डिफरेंस देखा वो अगले दिन ये पूछने लगा कि मम्मा कौन सा टॉपिक आया है जो मुझे कल पढ़ाएंगे। तो वो जो उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, दैट वॉज अमेजिंग कि एलन ने एक बच्चे के अंदर लर्निंग एटीट्यूड को डेवलप किया। हमारी बच्ची हंसिका मक्कड़ है जो कि क्लास 4 में स्टडी कर रही है, उसने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा उसको देखते हुए। और इमीडिएटली उसने मुझे बताया कि जो कुछ सीखा, जैसे डे 1 पे शायद उसने एक एग का, बॉयल एग का एग्जाम्पल सीखा, उससे पता लगा कि कैसे ऑक्सीजन बर्निंग के लिए आवश्यकता है और कैसे डिफरेंशियल प्रेशर से एग बोतल के अंदर चला गया। और एक दिन उसने सोलर सिस्टम सीखा, तो वो ये समझो कि शायद बड़ी इजीली एक ही दिन में सोलर सिस्टम और इतना कुछ सीखी, कितने प्लैनेट्स, क्या साइज, क्या डिस्टेंस, कौन कितना हॉट, कितने इतना कुछ सीखी कि मैं तो बिलीव ही नहीं कर पाया कि एकदम से इतना भी पॉसिबल है। मेरी एक 7 ईयर्स की डॉटर है क्लास 2nd की, दे आर गेटिंग द थिंग्स प्रैक्टिकल थ्रू दीज क्लासरूम्स। जितने भी यहाँ पर टीचर्स हैं सब इतने बढ़िया तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज शेयर करते हैं कि चिल्ड्रन आर नॉट मगिंग अप द स्टडीज। एंड पेरेंट्स का जो लोड होता है, पहले ये काम हमें करना पड़ता था, मैं हमेशा से आभारी रहूँगा कि हमारा इतना बड़ा लोड एलन ने कम कर दिया इन वर्कशॉप्स के थ्रू कि बच्चे का शुरू से ही प्रैक्टिकल लर्निंग इतना इम्प्रूव हो गया है। आपको करना पड़ता मेहनत, शायद हम उस लेवल तक ना कर पाते जिस लेवल तक एलन ने इस स्टडी को पहुंचा दिया है। मुझे लगा कि हाँ, मेरा बच्चा कुछ गेन कर रहा है और इतनी छोटी उम्र में। जितने प्रोजेक्ट होते थे उन सबको बहुत अच्छे से सीखता था, लेकिन उसे साइंस का एक प्रोजेक्ट किडनी वाला इतना पसंद आया कि उसने किडनी का पूरा प्रोजेक्ट बना के मेरे सामने रख दिया और उसे एक्सप्लेन भी किया कि मम्मी हमारी किडनी हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करती है। जब बच्चा घर पे आया तो उसने बताया कि जिस तरह की वर्कशीट उसको दी गई थी, मैंने सोचा कि उसको मैं एक बार समझा के फिर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसने खुद ही सोल्व कर दिया। तो जो चीज़ हम 10th या 11th में सीखे थे वो 3rd क्लास में ही सीख पा रहा है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने ये फील किया यहाँ पे बच्चे एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल के थ्रू उस सारे जो टॉपिक्स हैं उनको सिखाया जा रहा है और बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी के साथ वो सब लर्न कर रहे हैं। और मैं ये चाहूँगी कि ये जो वर्कशॉप है वो आगे भी ऐसे ही चलती रहे। यहाँ से आते ही एक तो बहुत ही फ्रेश मूड में होते हैं, उससे इन लोगों को इतना इंटरेस्ट रहा है। इसका जो छोटा भाई है वो भी बहुत एक्साइटेड होता है कि मुझे भी ये दीदी जो करती है ये सब करना है। भी जैसे इन्होंने सिखाया, काफ़ी थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दिया, जैसे हार्ट वगैरह का, लंग्स का, तो कि मॉडल के साथ समझाया, तो यहाँ बच्चे ने काफ़ी सीखा। कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा था, व्हाट्सएप के थ्रू जैसे ग्रुप बना दिया गया और पर्सनली भी इन्फॉर्म किया गया। जो उन्होंने बताया कि लूनार इक्लिप्स और ये सब मून के फेजेस बताए, वो ही बच्चे को एकदम अब प्रैक्टिकल लगने लगे। इसके 3rd स्टैंडर्ड के बच्चे को इस तरह से इमेजिनेशन करना उसका और उसके बारे में लर्न करना साथ साथ, ये एक बहुत अच्छा प्रयास है। उनके बीच में जो डर था वो निकल गया, तो डर जो बच्चे के एक स्टडी का डर जो अगर वो निकल जाए तो बच्चे को खेल खेल में जो पढ़ना आ जाएगा तो एक अलग ही दिशा में बच्चा काम करने लगेगा। व्हाट्सएप और फेसबुक के थ्रू जो लिंक किया था, स्टार्टअप किया था, वो काफ़ी सही था, क्विक इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी उससे हमें, तो ये एलन का जो प्रयास था बहुत अच्छा था।